हेलो यार, कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इस प्रकार के साउंड होते हैं इसको कंप्यूटर में कनेक्ट कैसे करना है। बहुत इजी प्रोसेस होता है, बट काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि यार आखिर कैसे इसको कनेक्ट करना है। और काफ़ी सारे लोग कनेक्ट तो कर लेते हैं बट वो साउंड में से आवाज़ नहीं आता है। तो वो क्या गलती करते हैं, क्या सही तरीका है, यही मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मैं मानता हूँ कि इस वीडियो में मैंने कम मेहनत किया है, डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और अपलोड कर दिया, क्योंकि गाइस मेरे पास समय काफ़ी कम है। अभी मुझे ऑर्डर में जाना है, मैं स्टैंड में लगाता फ़ोन, उसके बाद मैं रिकॉर्ड स्टार्ट करता, ठीक है, फेस कैम वीडियो बनाता, उसमें काफ़ी सारा वक्त चला जाता और मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे इसको कनेक्ट करना है पीसी में। सबसे पहले गाइस देखो, इस प्रकार के जो साउंड होते हैं इसमें दो प्रकार की पिन होती हैं, ठीक है। एक तो ये होता है, ठीक है, माइक्रो जैक बोलते हैं जिसको, ये, और एक होता है ये, एक होता है डायरेक्टली यूएसबी वाला। इसको तो आप कहीं भी लगा सकते हो, ये तो आपका नॉर्मल है, इसका कहीं भी लगा सकते हो जहाँ आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो, ठीक है। जैसे कि इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब बचता है ये वाला पिन, देखो आपको इसको टच करना है, आपको हल्की सी अर्थिंग लगेगी। अगर अर्थिंग आ रही है तो आप समझ जाओ कि आपका जो स्पीकर है वो सही है। देखो जैसे ही मैं टच करूँगा आपको एक साउंड सुनने मिलेगा, है ना, पता चल जाएगा कि आपका जो साउंड है वो सही है, साउंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो गाइस यहाँ पर आपको तीन पिन मिल जाती हैं, पिंक, ग्रीन, ब्लू। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पे लगा देते हैं जल्दबाजी में, या फिर काफ़ी सारे लोग ब्लू में लगा देते हैं, लेकिन आपको ग्रीन वाले में लगाना है। आप ग्रीन वाले में लगाओगे तभी आपके जो स्पीकर उसमें से आवाज़ आएगी। तो चलो गाइस एक गाने को प्ले करते हैं और देखते हैं कि गाना बजता है या फिर नहीं बजता है। बहुत इजी प्रोसेस के साथ मैंने आपको बताया, और क्वालिटी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैं मानता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी ख़राब है, इसके लिए आप वीडियो को डिसलाइक मत कर देना यार, लेकिन मैंने ट्रिक सही बताया आपको, प्लीज़ यार लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।